पीड़ित परिवार को धमकाने पर थाना प्रभारी पर गिरी गाज। एसएसपी सहारनपुर ने थाना प्रभारी को निलंबन की कार्रवाई करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय का दिलाया भरोसा। आपको बता दें कि जहां योगी सरकार में प्रदेश का पुलिस मित्र की रूप में आम लोगों से पेश आ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस में गालीबाज कोतवाल के कारण एक पूरे महकमे को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के कोतवाली देहात कोतवाल प्रेमवीर राणा जी, जिनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रेमवीर राणा कोतवाल में अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, जहां गदनपुर गांव में कुछ ग्रामीण वहां पहुंचते हैं और कोतवाल में अपनी लापता बेटी की बरामदगी की मांग करते हैं। इतना सुनते ही कोतवाल का पारा चढ़ जाता है और वह पीड़ित को गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई को गदनपुर गाँव में एक नाबालिग युवती संदिग्ध हालत में गायब हो गई। युवती के परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई, लेकिन एक हफ्ते तक थाना स्तर में कोई प्रभाव कार्रवाई ना होने से परेशान परिजनों ने उच्च अधिकारी को थाना प्रभारी के रवैये की शिकायत की, जिसके बाद थाना प्रभारी नाराज हो गए और पीड़ित परिवार को थाने में मिलने के लिए बुलाया, जहां कोतवाल प्रेमवीर राणा ने परिजनों के साथ थाने में गाली गलौज के साथ साथ अभद्रता की थी। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने यह सारी घटना मोबाइल में कैद कर ली और वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार ने कोतवाली देहात कोतवाल के सस्पेंड कर पूरे मामले की जांच क्षेत्रीय अधिकारी द्वितीय को सौंप दी और पीड़ित परिवार को न्याय का पूरा भरोसा दिलाया। आप देख रहे हैं आरसोनी न्यूज़ के लिए गौरव सिंह की एक खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। थाना कोतवाली देहात इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के द्वारा कुछ पब्लिक व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार और गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सीओ सेकंड के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, श्री मुकेश मिश्रा जो डिप्टी एसपी सिटी है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट भेजा गया है जाँच करके। इस तरह से कोई किसी की लड़की बालिग लड़की किसी के साथ फरार हो गया था, उस संबंध में मुकदमा लिखा गया है। लड़की की बरामदगी है तो उस पुलिस ऑफिस में सीनियर ऑफिसर से मिलने के बाद फिर इस एसएचओ कोतवाली देहात से मिलने गए थे। उसी दौरान इंस्पेक्टर कोतवाली देहात द्वारा अभद्र व्यवहार करना पाया गया है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है। उसी रिपोर्ट के आधार पर मुझे मतलब ये सही लगा कि इंस्पेक्टर कोतवाली देहात प्रेमवीर राणा के द्वारा ऐसे नहीं करना चाहिए, पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनके खिलाफ बहुत ही सख्ती से कार्रवाई किया जा रहा है, इनको निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ प्रारंभिक जांच एसपी सिटी के द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम जाकिर है जी। जी थाने में जो है ना हमारी लड़की का केस चल रहा है, हमारी लड़की गायब है, उसके जो है ना बारे में जो है ना मतलब वो चल रहा, तो हम किसी नेता के पास गए तो एसओ साहब पे जो है ना वहाँ से फ़ोन आया, तो उन्होंने जो है ना इंस्पेक्टर साहब को करा फ़ोन, कह रहे उन्हें जो है ना लड़कों को बुलाओ, जो लड़की के वो है क्या नाम वालिद, उसे बुलाओ। तो वो जो है ना अकेला जाता डर रहा था, मैंने कहा सर जो है ना हम आ रहे हैं, मैंने फ़ोन किया दोबारा दरोगा जी को, मैंने कहा सर हम आ रहे हैं लड़के को लेकर। तो जैसे हम वहाँ गए तो उस टाइम पर दरोगा जी वहाँ थे नहीं, तो किसी ने कहा कह रहे किससे मिलना, मैंने कहा जी दरोगा जी ने जब फ़ोन करा था, हमें कुछ जानकारी करनी थी दरोगा जी को, तो वो चले गए, यहाँ कहीं देख नहीं रहे हम, कह रहे साहब बैठे अंदर उनसे बात कर लो। तो उनसे तो हम पहले ही जाना मिलना चाहे थे बेचारे, जाना मतलब ऐसे हुए तो लोग जाना मतलब ऐसे डराते हैं इंसान को। आपके साथ क्या हुआ था, क्या कैसे गाली गलौज हुई थी? तो जैसे हम अंदर गए ना जी, तो उसने लड़की के बाप ने कहा जी मैं साइस्ता का बाप आया हूँ, तो उन्होंने कहा कह लगे एकदम से हाथ पैर फेंक के बोले, कह लगे तुम्हारी धी का लड़ाई है फलाना, मतलब गाली बोल ले जी, बहुत ही जाना मतलब बुरी तरीके से हमारे साथ पेश है। वो लड़की का बाप जो था डर गया था जी, हम भी जाना डर गए, जो बात है मान दे अनपढ़ आदमी है कुछ, हम तो जाना पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उसके बाद में यही हुआ, उन्होंने कहा सालो तुम्हें जाना वापसी हो जाओ, तुम्हें जेल भेज दूँगा, तुम्हें ये कर दूँगा, तुम्हारी बहन को। हमने कहा, मैंने कहा यस सर बस हम तो यही करते रहे जी, और हम कुछ नहीं बोल रहे जी। संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? जी हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, जो हमारी सरकार ने कर दिया हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। ठीक है, हम
आगे के लिए जो है ना हमारी जो है ना इस बात का वो होना चाहिए जी, हम गरीब आदमी, हम ये तो जो है ना हमने ये कर दिया, हम घबराहट इस चीज़ का कोई हमारे पर जो है ना आगे कोई किसी किस्म का कोई कार्रवाई ना हो। ठीक है जी, सिर्फ हमारी